फरीदाबाद में आज डीसीपी अमित यशवर्धन की तरफ से बिना हेलमेट के चलने वाले दोपहिया वाहन चालकों को रोककर हेलमेट वितरित किए गए। वहीं जो लोग बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाते मिले उन लोगों को पहले जागरूक किया गया और उनके बाद उन्हें हेलमेट वितरित किया गया। वहीं जिन लोगों को हेलमेट दिए गए उन लोगों से कहा गया कि पुलिस यह काम सही कर रही है क्योंकि यह हमारी सेफ्टी के लिए है, आगे से हम बिना हेलमेट के घर से बाहर नहीं निकलेंगे। आज कैंपेन है तो जैसे कि हमको पता है कि अराउंड 80-85% जो मौत होती है, अब जैसे कि पूरे इंडिया की बात करें तो 2020 में करीब 155,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो इसमें जब हम ब्रेकअप करते हैं तो 80% लोग ऐसे होते हैं जिनकी मौत टू व्हीलर पे विदाउट हेलमेट से होती है, चार पहिए में विदाउट सीट बेल्ट से होती है और एक ड्रंकन ड्राइविंग के कारण होती है। तो इसकी गंभीरता समझते हुए हमने एक ये मुहिम चलाई है जिसमें हम जो भी वायलेटर हमें मिले उनके चलान भी काटे गए और साथ में वो सख्त भी है कि अगर कोई वायलेशन करेगा तो उसके को भी नहीं बख्शा जाएगा। तो दोनों प्रकार के हमारी मैसेज देने का प्रयास है। चौक से ही अंदर से डाइवर्जन लेके जो NIT में जा रहा है उसका इस तरह डाइवर्जन रहेगा और जो ट्रैफिक हार्डवेयर से और इसका यूज करता है उसको भी JCB चौक से आगे निकालेंगे। ये हमारा सर लगातार हम शहर में देखते हैं कि जाम की स्थिति पूरे शहर में रहती है, बड़े वाहन जो है